नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है और सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी लेने के लिए जनता के बीच अपना शक्ति प्रदर्शन करने लगे हैं। इसी कड़ी में समाज शक्ति पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी रैली आयोजित की है और शिवहर संसदीय क्षेत्र के ढाका अनुमंडल से सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ एक रैली निकाली जो ढाका से चलकर मोतिहारी पहुंची। भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली के माध्यम से एक ओर जहां समाज शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महताब आलम ने केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और ये प्रण लिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को देश की सत्ता से दूर रखना है, वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महताब आलम ने खुद शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की है और कहा है कि भाजपा लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और उसे सत्ता से हटाने के लिए उनकी पार्टी बिहार के सभी 40 सीटों से चुनाव लड़ेगी। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार का रवैया हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए क्या है कि इसका मुखालफत करने के लिए हम लोग और ये रैली यहाँ पूर्वी चंपारण से शुरू हुआ है। बापू के मतलब बापू धाम मोतिहारी जो बोला जाता है और यहाँ के बाद शिवहर के शिवहर पार्टी का निर्माण इसलिए किया है क्योंकि जो पहले से पूर्व में जो नेता लोग हैं ना, ये लोग क्या है कि भाई मतलब एक ये बना लिए हुए हैं, बारी बारी करके लूटने का काम करते हैं, बाकी कोई दूसरा काम नहीं होता। तो हम लोगों का मुद्दा यही है कि भाई विकास होना चाहिए, फालतू का बात नहीं होना चाहिए, इसलिए पार्टी बनाया गया। तो आपका क्या एजेंडा क्या रहेगा चुनाव? हमारा एजेंडा रहेगा डायरेक्ट विकास जी। तो लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? सीवर से हैं, सीवर लोकसभा से भी है। चुनाव पर्सनली है लेकिन पूरे बिहार में 40 सीट से अपने पार्टी जी जी जी